कह रहे उनको नई तुलना करनी चाहिए। अब मैं उस पर आ जाऊंगा, भगत सिंह के रिश्तेदार कह रहे मत करिए भाई पॉलिटिक्स, आ जाइएगा पहले किशोर तिवारी बोलेंगे, उनको मैंने बीच में रोक गया था, पहले किशोर तिवारी बोलेंगे फिर हर्षवर्धन त्रिपाठी। बोले किशोर तिवारी जी, अब आप बोल लीजिए। हाँ अमन जी, मैं पहली बार ही आपके इसमें कार्यक्रम में आया हूँ, लेकिन एक मैं बात करता हूँ, महाराष्ट्र के अंदर हमने एनसीबी का भी दुरुपयोग देखा, हमने एनआईए का दुरुपयोग देखा, ईडी का दुरुपयोग देखा। आप बोलते हैं अनिल देशमुख को इन्होंने साल भर जेल में रखा, अब हाईकोर्ट कहता है कि ईडी इस तरीके का प्रोसिक्यूशन नहीं कर सकती, अरेस्ट नहीं कर सकती। अब मैं बता रहा हूं कि हमारी तो सरकार चली गई, यानी बदले की भावना से और प्रजातंत्र तांत्रिक मूल्यों की हत्या हो रही है। अभी शहीद भगत सिंह के नाम से लिया, ये लिया, वो नहीं बोल रहा हूं कि लेकिन अगर महाराष्ट्र पैटर्न ही वहां पर अप्लीकेबल हो रहा होगा तो मनीष सिसोदिया को विक्टिमाइज किया जा रहा है, ऐसा मैं बोलूंगा। लेकिन मैं गौरव भाटिया जी को एक बताऊंगा कि कंस बोलना, आप पार्टी को पाक पार्टी बोलना, अब मुझे बताइए जो महाराष्ट्र के अंदर, अमन जी बहुत बता रहा हूं, जो महाराष्ट्र के अंदर वसूली करने वाले मिनिस्टर थे, जिन पर ईडी ने 5,000-5,000 10,000 करोड़ के चार्जेस लगाए थे, वो लोग जैसे बीजेपी के पाले में चले गए वो पाक साफ हो गए। देखो भाटिया जी, आप करप्शन के खिलाफ अगर कुछ कर रहे हैं तो जो लोग आपके पार्टी में जाते हैं, जिनको आप ही चार्जेस लगाते हैं कि वो बहुत करप्ट थे, फिर उनकी इंक्वायरीज फ्रिज में क्यों जाती है? अब ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं नाम बताऊं तो एकनाथ शिंदे, प्रताप सरने के, अर्जुन कोटकर, भावनाताई गवली, ये सब लोगों पे आपने बहुत गंभीर चार्जेस लगाए थे। तो महाराष्ट्र का पैटर्न अगर आप वहां पे लगा रहे होंगे, मैं अभी भी बता रहा हूं कि मेरी पार्टी कोई मनीष सिसोदिया को क्लीन चिट नहीं जवाब दूंगा, लेकिन बीजेपी तानाशाही कर रही है, इस बात से मैं कन्विंस हूँ, और बीजेपी को इसकी कीमत महाराष्ट्र में तो चुकानी पड़ेगी। शायद अगर मैसेज बराबर चला गया तो गुजरात में भी चुकानी पड़ेगी। गौरव अब आप बोलिए। वैसे तिवारी जी, मैं पूछना भूल गया, आप कौन से वाले गुट से थे, आपकी पार्टी को कीमत चुकाने, कौन से वाले गुट से हैं आप, उद्धव गुट से हैं या वो वाले गुट से हैं, एकनाथ शिंदे गुट से हैं? वो पूछना भूल गया था मैं, भ्रष्टाचारी गुट से हैं। कौन सा वाले गुट से हैं तिवारी जी, मैं पूछना भूल गया था आपसे। देखो एक एक भ्रष्टाचारी, अरे भाई रुको ना, कैसे नहीं, चलिए मैं गौरव के पास जा रहा हूँ, बस मैं पूछना भूल गया था कि आप कौन से वाले गुट से, आपकी तो पार्टी टूट गई ना वहां पर, मैं इसलिए पूछना चाह रहा था। बहरहाल चलिए गौरव आप जवाब दे दीजिए, मिसयूज तो हो रहा है भाई, तानाशाही तो चल रही है, मिसयूज तो हो रहा है, अपोजिशन नेताओं को पकड़कर आप लोग ऐसे टारगेट कर रहे हैं। गौरव भाटिया, फिर हर्षवर्धन त्रिपाठिया बोलिएगा। गौरव जवाब दीजिए भाई, संजय राउत वाले मामले में भी देखिए। अमन जी आपने भी पूछा, आपने पूछा किस गुट से है, मैं आपको बता देता हूँ, ये भ्रष्टाचारी गुट से है संजय राउत, वो याद है उखाड़ दिया ग्रुप। अरे हम उखाड़ ही देंगे आपको, दुनिया के सबसे बड़े भ्रष्टाचारी। अखिल खान ऐसे भाई, आप लोग डिबेट, अखिल खान पहली बार आ रहे हैं डिबेट में, आपको पता नहीं है सलीका नहीं है कैसे डिबेट करते हैं। आपके पास आऊंगा तब आप बोलिए, आपके बीच में वो नहीं बोले, आपके बीच में एक शब्द बोले बताइए, नहीं बोले ना, बस आप शांत रहिए, इनके बाद बोलने देंगे बस। हाँ, मैं सर वो मेरा काम है ना, आप आ जाइए, मैं चला जाता हूँ, आप ही कर लीजिए, मत करिए ना सर बीच में, त्रिपाठी जी भी वेट कर रहे हैं, ऐसे नहीं डिबेट होती है, सलीके से डिबेट करिए, आप सम्मानित आदमी है, बस आप शांत रहिए। गौरव भाटिया, हाँ मुझे पता कैसे करना सर, गौरव आप बोलिए, आप दो दो या दो दो जवाब सवाल पूछेंगे, जवाब तो वही देंगे ना, बोलिए आप गौरव, सबको अडिबन देखे करके बोला जाएगा, बोलिए आप गौरव। देखिए अमन जी, कुछ बिंदुओं पे मैं अपनी बात रख दूं, मेरे साथी हैं मेरे सवाल पूछने के बाद ये लोग अपनी बात रख सकते हैं। सबसे पहले आपने कहा कौन से गुट के हैं, तो मैं कहूँगा ये भ्रष्टाचारी संजय राउत ग्रुप के हैं, ये वो उखाड़ दिया, नॉटी नॉटी महिला का अपमान करना, और अच्छी बात इन्होंने कही, इन्होंने कहा कि कभी भी विरोधियों को कंस नहीं कहना चाहिए। तो तिवारी जी, अरविंद केजरीवाल खुद को भगवान कृष्ण का अवतार समझते हैं, इसमें हमारी गलती नहीं है। वो कह रहे थे कि कंस का वध करने में आया हूं आधुनिक युग में, किसी की मां के लिए गलत शब्दों का प्रयोग उनके प्रदेश अध्यक्ष करते हैं, चुने हुए प्रधानमंत्री को नीच बुलाते हैं, मंदिरों को वो कहते हैं कि ये महिलाओं के शोषण का अड्डा है। मैं तो तिवारी जी उम्मीद करूंगा कि आप कहेंगे कि ये गलत है। और विरोधाभास क्या है, विरोधाभास ये है कि जब नेशनल हेरल्ड केस में ईडी कार्रवाई कर रही थी सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ, तो आम आदमी पार्टी कह रही थी भ्रष्टाचार के खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए। आज जब अरविंद केजरीवाल के खिलाफ और उनके नेताओं के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ इसलिए कि उनके सारे नेता आज अंदर हैं या कार्रवाई हो रही है, तो कांग्रेस पार्टी कह रही है ये ठीक ही हो रही है। अब आप मुझे ये बताइए, इसका मतलब ईडी सीबीआई
पे ये लोग जो दोषारोपण करते हैं वो गलत करते हैं, वो नहीं होना चाहिए, ये तो तय हो गया। तीसरी बात, आपने भगत सिंह जी के परिजन को बुलाया, उन्होंने दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण कही अमन जी। पहली बात, उन्होंने कहा भगत सिंह जी के नाम का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, वो देश की धरोहर है, किसी पार्टी की नहीं। और दूसरी बात उन्होंने जो कही वो और अहम है, उन्होंने कहा ये भ्रष्टाचारी हैं, और भ्रष्टाचारी भगत सिंह जी का नाम अगर दुरुपयोग करते हैं तो उनको कष्ट होता है। मैं उम्मीद करता हूं अरविंद केजरीवाल ये बात सुने, सुनेंगे बिल्कुल। तीसरी बात अंत करूंगा ये कह के, आप भी ठीक है, मैं एक ब्रेक ले रहा हूं त्रिपाठी जी माफी के साथ, ब्रेक के बाद आपसे शुरू करूंगा, बस एक ब्रेक ले रहा हूं, एक ब्रेक की मजबूरी है, ब्रेक ले रहा हूं। खान साहब बीच में मत बोलिएगा प्लीज, रिक्वेस्ट करूं आपसे, ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद त्रिपाठी जी से शुरू करूंगा, छोटा सा ब्रेक।